अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ताहिर द 12 मैन शो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट ताहिर खान। आज एक नए गेस्ट के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ और वो गेस्ट मेरे हीरो, पाकिस्तान टीम के हीरो, 92 वर्ल्ड कप के हीरो, पहले ही टेस्ट सीरीज में डबल टर्न करने वाले हीरो, नन अदर देन माय ऑल टाइम फेवरेट लेफ्ट हैंडर बैट्समैन आमिर सोहेल साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, वेलकम इन द शो। हम तो बहुत पुराने हो गए हैं यार। नहीं आमिर भाई, स्टिल यू आर द हीरो फॉर मी, क्योंकि आपको देख ले, थैंक यू, थैंक यू। आप लोगों को हमने बात की थी। थैंक यू। और सुनाए, सब ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर भाई आप बताएं, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक जी। अच्छा आमिर भाई, पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड के टूर पर है और पहला टेस्ट मैच हमने 5 अगस्त को खेलना है और ओल्ड ट्रैफर्ड के मकाम पे। अगर ओल्ड ट्रैफर्ड की बात करूं तो आपके 205 रन वो हमेशा से याद रहेंगे सबको और आपको भी याद रहेंगे, तो क्या आप एडवाइस करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनर्स को स्पेशली? देखिए, जो जो कंटेम्प्रेरी डिमांड है ताहिर, वो तो ये है कि आपको पॉजिटिव खेलना है। जब पहले आप जमाने की बात करते थे तो आप नया बॉल सी ऑफ करना होता था, लेकिन अब टोटली जो है डिमांड चेंज हो गई। अब आपने सेट भी करना है टोन को, उसके बाद मोमेंटम देना है इनिंग्स को, और उसके साथ साथ ऑपोजिशन को थोड़ा डिफेंसिव के ऊपर लेके आना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पॉजिटिव जो है वो खेलना पड़ता है। और उसमें यह है कि आप एज एन ओपनर आपने एक तो अच्छा गेंद छोड़ना है और आपने कोशिश ये करनी है कि आप बुरे बॉल का इंतजार ना करें। आप लेंथ को अर्ली पिक करके अपने अच्छे फुटवर्क से गेंद को जो है वो गैप में खेल के आप स्कोर कर सकते हैं। अगर आप ये करेंगे तो आई थिंक ऑपोजिशन जो है थोड़ा सा पैनिक होती है, उनका जो एक सेट प्लान है वो चेंज होता है अगर ओपनर्स आके जो है उनके लिए मुश्किल डाल दें। मैं ये समझता हूँ एडवाइस ये होगी कि जिस तरह के 2 टेस्ट मैचेस अभी हुए हैं वेस्ट इंडीज के, तो मुझे ये लग रहा है कि पिचेस अभी तक जो है उनकी बेस जो है वो फर्म नहीं है। अगर ऊपर से तो वो थोड़ी सी खुश नजर आ रही हैं, लेकिन जब तक बेस कॉम्पैक्ट नहीं होती तो गेंद बल्ले के ऊपर अच्छे तरीके से नहीं आता। और जो ट्रेंड देखा वो ये है कि पहले 1.5-2 दिन जो है वो पिच थोड़ा सा सॉफ्टर खेलती है, और जैसी बेस ट्रैफिक थोड़ी सी गुजरनी शुरू होती है पिच के ऊपर से और रोल होता है, तो पिच जो है वो जान पकड़नी शुरू करती है और गेंद निकलना शुरू होता है। आई थिंक जब पाकिस्तान खेलेगा ओल्ड ट्रैफर्ड के ऊपर, तो मेरा ख्याल है पिचेस की जो बेस है वो कॉम्पैक्ट होगी, तो गेंद जो है वो निकलेगा। तो आई थिंक जहाँ पे ट्रू बाउंस हो तो वहां पे बैट्समैनों को तो खुश होना चाहिए। मूवमेंट तो जब आप ओपनर्स की बात करते हैं तो मूवमेंट तो आपको फ्लैट विकेटों के ऊपर भी हो सकती है, तो आई थिंक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ खेलें और कंडीशंस को अच्छी तरह रीड करें। और मेरा ख्याल है इनको काफी टाइम भी मिला है, 2 टेस्ट मैचेस हो चुके हैं, इनको पता लग जाना चाहिए कि इंग्लैंड के जो फास्ट बॉलर्स हैं वो किस तरह किस माइंडसेट के साथ और किस प्लानिंग के साथ बॉल करते हैं, तो इनके पास उसका जवाब होना चाहिए। आमिर भाई, जिस तरह से हम लोग काफी टाइम से स्पिनर्स पे स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे पास ऑफ स्पिनर सकलैन मुश्ताक की तरह या सईद अजमल की तरह नहीं आ रहा, हम यासिर शाह पे कंटिन्यूसली हम भरोसा करे जा रहे हैं, कोई फिंगर स्पिनर हम शायद डेवलप नहीं कर पा रहे, तो उसकी क्या वजह? सिस्टम की कोताहियां हैं या लड़कों की अपनी कोताहियां? वो तो परफॉर्मेंस कर रहे हैं डोमेस्टिक में। देखें, आप खुद स्पिन बॉलिंग करते थे, और स्पिन बॉलिंग के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो आपको क्रिकेट खेलनी है, लंबी बॉलिंग करनी है। जब आपकी क्लब क्रिकेट नहीं होगी, जब आपकी ग्रास रूट के लिए आपकी क्रिकेट जो है वो इतनी ज्यादा नहीं हो रही और आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा कम है, तो फिर वो आप आर्ट ऑफ स्पिन बॉलिंग लर्न नहीं कर सकते। उसमें यह है कि आप जब एज ए स्पिन बॉलर जो है आपकी उंगलियां तगड़ी होनी चाहिए, अगर आप फिंगर स्पिनर्स हैं वो तभी उनमें जान आनी शुरू होती है जब आप रेगुलरली बॉल करते हैं, और उसके बाद अगर आप रिस्ट स्पिनर हैं तो जब तक आप लंबे बॉल नहीं करेंगे तो आप करेंगे तो आपके वो रिस्ट में जान नहीं आती। तो आई थिंक लैक ऑफ जो ग्रास रूट क्रिकेट है उसने बहुत ज्यादा इफेक्ट किया, और आप देखें जो भी आपके पास तगड़े स्पिनर्स आए हैं वो आई थिंक वो 90s की पैदावार है, जब आपकी क्लब क्रिकेट बहुत अच्छी हुआ करती थी, उसके बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट बहुत ज्यादा थी, ग्रेट क्रिकेट बहुत ज्यादा हुआ करती थी, स्कूल कॉलेज की क्रिकेट भी इतनी ज्यादा तो नहीं थी उस वक्त, उससे पहले काफी ज्यादा थी लेकिन कदरे बेहतर थी, तो उसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलती थी।
लड़के खेलते थे, आर्ट ऑफ स्पिन बॉलिंग लर्न करते थे, मार पड़ती थी, मार के बाद सोचने पे मजबूर होते थे कि अब हमने क्या करना है, कौन सी वैरायटीज लेके आनी है अपने अपने खेल में ताकि हम बैट्समैनों को जो है वो तंग कर सके। तो आई थिंक वो आपकी जो ग्रास रूट क्रिकेट है वो कम हो गई। उसके बाद आप देखें इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट अब भी खत्म हुई हुई है, इंटर रीजन क्रिकेट खत्म हुई हुई है, तो फिर आप जब आप अच्छे स्पिनर्स की डिमांड करेंगे तो यू आस्किंग फॉर मून। आमिर भाई एक चीज, जब आपका डेब्यू हुआ है, अगर मैं बात करूं शारजा के मकाम पे और शारजा के पिच पे, तो कहा जाता है, और कुछ दिनों पहले राशिद लतीफ भी मेरे प्रोग्राम में थे, कहते हैं यार वहां बदनसीबी होगा कोई जो स्कोर ना करेगा उन पिचेस पे। तो आपका डेब्यू श्रीलंका के अगेंस्ट और इतनी परफॉर्मेंस के बाद आपको वह सिलेक्ट किया गया, तो आमिर भाई व्हाट वाज द फीलिंग अबाउट टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान? देखिए जब आपका एक ड्रीम जो है वो रियलिटी में टर्न होता है तो एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होती है, और उसके बाद ऑब्वियसली यू ओवर द मून कि आप जो सोचते आ रहे थे कि मैंने यहाँ तक पहुंचना, आप अगर आप पहुंचेंगे तो फिर खुशी की तो लिमिट ही कोई नहीं होती। तो आई स्टिल रिमेम्बर कि काफी अरसा में पाकिस्तान टीम में 12th मैन रहा, स्क्वाड में आता रहा, लेकिन चांस नहीं मिला। लेकिन फाइनली जब मुझे चांस मिला तो बहुत ज्यादा खुशी थी, और जब क्रिकेट जाके खेली तो और ज्यादा खुशी थी। और मेरा ख्याल है कि वो खुशी एकदम से जो है, जब मैं बैटिंग करने गया तो वो चेंज हो गई क्योंकि एकदम से 3 आउट हो गए और उसके बाद बड़ा सीरियस होके खेलना पड़ा। सो गुड मेमोरीज। आमिर भाई 92 वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें, उससे पहले पाकिस्तान टीम वहां गई भी थी मैचेस खेलने के लिए, ट्राई नेशन सीरीज थी वहां पर, वहां आपकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी। जो एग्रेसिवनेस आपका उस सीरीज में नजर आया वर्ल्ड कप से एक सीरीज पहले, वही शायद आपको हेल्प आउट किया, क्योंकि फिर वर्ल्ड कप उसी सरजमीन में होना था न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में, और उस वर्ल्ड कप 92 वर्ल्ड कप की जरा जर्नी के बारे में जरा आमिर भाई प्लीज बताएं। यार वो तो बहुत ही लंबा हो जाएगा ताहिर, लेकिन ये है कि अगर आप उसको इन नटशेल बात करें तो मैं भी बिल्कुल नया था, अपनी अपनी जगह सीमेंट करने की कोशिश कर रहा था। हमने जो वहाँ पे प्रैक्टिस मैचेस खेले, मुझे आज भी याद है, मैं बहुत ज्यादा प्रेशर में था, मुझे तो नेट पे बारी भी नहीं मिलती थी, और एकदम से मुझे बताया गया कि सलीम मलिक अनफिट हो गए हैं तो आप मैच खेल रहे हैं। तो मुझे याद है उस मैच में मैंने बॉलिंग भी अच्छी की, कैचेस भी किए, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की टीम जल्दी आउट होगी, मेरी जो थोड़ी बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन थी उसने काफी लोगों को इम्प्रेस किया, और उसके बाद जो अपॉर्चुनिटीज प्रैक्टिस मैचेस में मिली। आमिर भाई 92 वर्ल्ड कप का जो ऑस्ट्रेलिया का मैच था पर्थ पे, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के सरजमीन में जाके हराना और आपके 76 रन मैन ऑफ द मैच, वो टर्निंग पॉइंट था पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए जो सफर टूवर्ड्स फाइनल था, तो उसके बारे में जरा बताएं, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को जाके हराना वर्ल्ड कप के उस मैच में। मुझे याद है कि वो उस मैच से पहले हमारी काफी सारी टीम की ना एक टीम मीटिंग हुई थी, उसके ऊपर काफी चीजें थ्रैश आउट हुई, तो मुझे आज भी याद है कि इमरान भाई ने मुझे शाम को जब हम होटल में थे तो उन्होंने मुझे कहा कि आमिर अगर तो कल स्कोर करेगा तो हम लोग जीतेंगे और फिर हम लोग वर्ल्ड कप भी जीत जाएंगे, तो तूने बड़ी जिम्मेदारी से खेलना है और तुमने स्कोर करके दिखाना है। और मुझे याद है कि रात को मैं बड़ी दुआ मांग के और अगले दिन सुबह दुआ मांग के कि या अल्लाह इस मैच में अब इज्जत रखे ना, पहला मैच था मेरा पर्थ पे करियर का, और सबको पता है कि वहाँ पे बैट्समैनों के लिए ड्रिल पिच है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उस मैच में परफॉर्म हुआ और मैन ऑफ द मैच जीते। नर्वस तो था मैं शुरू में क्योंकि प्रेशर मेरे पे बहुत ज्यादा आ गया था, लेकिन जैसे 2-3 गेंद बल्ले के ऊपर लगे तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो प्रेशर ऑफ होना शुरू हुआ। और उस मैच में एक अच्छी चीज थी कि रमीज को दोबारा उस मैच के लिए टीम में वापस लेके आए और उन्होंने मेरे साथ ओपन की, उससे पहले एक्सपेरिमेंटेशन थोड़ी सी हुई थी तो वो ओपन करने आए, तो उन्होंने भी आके अच्छा खेलना शुरू किया, शॉटें मारने शुरू की, जिससे जो है वो प्रेशर जो है और ज्यादा ऑफ हुआ और अच्छी तरह खेल के जो है वो पाकिस्तान के लिए कॉन्ट्रीब्यूट किया। भाई आमिर भाई जो कि 92 वर्ल्ड कप जब भी बात करता हूँ और फाइनल का वो कैच रमीज भाई का, आपकी परफॉर्मेंस बॉलिंग स्पेशली आपकी पूरे वर्ल्ड कप में थ्रू आउट, मतलब हम अगर 3 बॉलर और एक आप 4 बॉलर से हम पूरा वर्ल्ड कप खेलें, तो आमिर भाई फाइनल की वो जो सिचुएशन थी
उसमें जाके नीचे से जाके डाउन द ऑर्डर इंजमाम भाई की वो इनिंग्स, वसीम भाई की इनिंग्स, फिर ऊपर जाके जो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट इमरान खान और जावेद मेहदाद ने जाके जो संभाला था, तो अनु भाई वो क्या कोई प्लान का हिस्सा था कि अचानक से खान साहब ऊपर आ गए और फिर जावेद मेहदाद पूरी इनिंग्स को बिल्ड किया उन्होंने? नहीं वो देखिए इमरान भाई तो वर्ल्ड कप एज ए मेनली बैट्समैन ही खेल रहे थे, तो उन्होंने काफी मैचेस से ऊपर आके बैटिंग करनी शुरू की थी क्योंकि हमारा मिडिल ऑर्डर इतना ज्यादा क्लिक नहीं कर रहा था। मेरा ख्याल एक आधे मैच में मिडिल ऑर्डर ने परफॉर्म किया जिसकी वजह से वो ऊपर आके बैटिंग कर रहे थे और जिम्मेदारी से खेल रहे थे। और मेरा ख्याल है कि जो जो मैंने बेहतरीन क्रिकेट देखी है किसी भी बैट्समैन की तरफ से इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, जो मेरे टाइम में जिन लोगों को मैंने देखा, मेरा ख्याल है जावेद मियांदाद से बेहतर किसी ने बैटिंग नहीं की होती की होगी। हर मैच में जिम्मेदारी से खेले, हर मैच में प्रेशर लेके खेले और मेक श्योर किया कि पाकिस्तान के लिए वो कुछ ना कुछ करें। और आई थिंक कि अगर पाकिस्तान वो वर्ल्ड कप जीता है तो अगर मुझे एस्क्राइब करना पड़े एक बंदे के के लिए तो वो फिर जावेद मियांदाद ही हैं, क्योंकि थ्रू आउट द वर्ल्ड कप फ्रॉम द वेरी वर्ल्ड गो उन्होंने कमाल बैटिंग की। और जो चीज लोगों को मेरा ख्याल है भूल गई हुई है वो 100% फिट भी नहीं था और उन्होंने जिस तरह बैटिंग की दैट वाज इनक्रेडिबल। ये बात है आमिर भाई, जिस तरह से आप सबकी, जावेद भाई की, इमरान भाई की, इंजमाम भाई की, मतलब रमीज भाई की, वसीम भाई की, मोइन भाई की, सबकी अगर बात करें, आकिब भाई की, मतलब वो कहते हैं ना कि एक जैल होके वो टीम जीती है जो शुरू में बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी कि शायद ये क्वालिफाई भी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बॉटम से उठ पाएंगे नहीं उठ पाएंगे, लेकिन इन द एंड क्योंकि आप सबका बिलीव था और जो लीडरशिप थी और प्लस आप लोगों को एक जो ट्रस्ट था अपने ऊपर वो आप लोगों ने करके दिखाया और जिसकी सूरत में 92 वर्ल्ड कप के हम चैंपियन बने। और फिर 92 वर्ल्ड कप के बाद जब आप टेस्ट सीरीज खेलने गए इंग्लैंड के अंदर, आपका वहां पर शायद डेब्यू उस सीरीज में हुआ था और जावेद भाई कैप्टन थे, तो आमिर भाई 205 runs अगेंस्ट इंग्लैंड की इतनी टफ ओपोनेंट के अगेंस्ट मैनचेस्टर में, तो व्हाट वाज द फीलिंग जब 100 किया और फिर 200 की तरफ गए? देखिए मैं बड़ा लकी था कि जब मैंने 100 कर लिया था तो जावेद मियांदाद मेरे साथ बैटिंग कर रहे थे और वो मुझे बार बार कहते रहे कि आउट नहीं होना, आउट नहीं होना, 200 करो 200 करो। अब मैंने जो जब 200 कर लिया तो उन्होंने मुझे और शाबाश तो देने के बाद उन्होंने पहली जो चीज कही थी कि आप 300 कर दें, और अनफॉर्चुनेटली मैं जब आउट हुआ तो जावेद मियांदाद जब बाहर आए मैच अब पहले रोज का तो आके मेरे पीछे पड़ गया। उन्होंने कहा तुमने इतना बड़ा मौका दिया, हमें बड़े शुक्रगुजार हैं कि हम बड़े और लकी भी हैं कि जावेद मियांदाद जैसे बैट्समैन जो है जब हम पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए तैयार हुए तो वो वहां पे मौजूद थे और वो हर वक्त अपना जो है वो एक्सपीरियंस इम्पार्ट करते थे यंगस्टर्स के लिए और कोई ना कोई उनको मशवरा देते रहते थे। आमिर भाई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपकी 105 रन की इनिंग्स की अगर बात करूं, लाहौर के मकाम था 1994 की बात है, उसमें जो आप बैटिंग करने आए थे जब आपने 105 रन किया, आप सातवें नंबर पे बैटिंग करने आए थे, तो आमिर भाई कोई खास वजह थी मतलब इतना नीचे आने की और फिर भी आपने 107 रन किए? एक्चुअली मुझे पहली इनिंग्स में गेंद लग गया था सर के ऊपर, हेलमेट और हेलमेट के बाद जो थोड़ी सी नेकेड जगह होती है मुझे वहां पे गेंद लगा तो उसके बाद काफी ज्यादा कंकशन शुरू हो गई। फिर पीसीबी का एक नॉमिनेटेड हॉस्पिटल था जो कदाफी स्टेडियम के बिल्कुल पास था तो वहां पे मुझे लेके गए तो डॉक्टर्स ने कहा था कि आप बेड रेस्ट करेंगे तो हम आपको अभी मॉनिटर करेंगे। तो मुझे याद है कि आई वाज इन द हॉस्पिटल जब हमारे 5 आउट हो गए तो आई केम बैक टी टाइम के ऊपर और आके मैं पैड करके फिर वो कुछ वो भी पेन किलर्स लगवाने थे वो लगवा के अंदर बैटिंग करने गया और अल्लाह का शुक्र है कि उस मैच में ना सिर्फ हमने सीरीज बचाई और जो जो 100 जो था मैनचेस्टर के बाद मैं काफी दफा 80s और 90s में आउट हुआ तो वो 100 के करीब आके तो वो 100 भी हो गया दूसरा तो काफी सेटिस्फाइंग था। आमिर भाई उसके बाद फिर रावलपिंडी के अंदर 160 रन्स, फिर कराची में फिर 160 रन्स, मतलब बैक टू बैक जो आपकी परफॉर्मेंस चल रही थी वो उसको डेवलप होती गई अगेंस्ट वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट दोनों उसी सीरीज में आपके 2 160 रन्स, मतलब वो एक्सट्रीम फॉर्म थी आपकी उस जमाने में। 1997 की बात करूं मैं तो मेरी वो एक्सट्रीम फॉर्म नहीं थी, मेरी एक्सट्रीम फॉर्म जो थी वो आई थिंक इन 94 थी
95 में भी ठीक था, 96 में बड़ी जबरदस्त फॉर्म थी, वो तो मैं बड़ा डर डर के खेल रहा था क्योंकि प्रेशर ही बहुत ज्यादा था, क्योंकि मुझे बार बार किसी वजह के बगैर टीम में बाहर निकाल दिया जाता था, फिर मैं फर्स्ट क्लास में या किसी साइड मैच में टूरिंग टीम के खिलाफ स्कोर कर देता था तो वापस आ जाता था, तो काफी ज्यादा प्रेशर में था। और यह है कि बड़ा सूंघ सूंघ के मैं खेल रहा था, लेकिन जैसे ही 50-60 हुआ तो उसके बाद जरा मैंने खुल के खेलना शुरू किया। वही चीज है ना हमें भाई, क्योंकि जो जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाते हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं, तो यही फर्स्ट क्लास क्रिकेट की अहमियत है, क्योंकि जो आप लोग जिस दौर में खेले हैं, डिपार्टमेंट क्रिकेट, डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट के अगेंस्ट खेल रहा है, टॉप क्लास प्लेयर्स, टॉप क्लास परफॉर्मेंस देने के बाद फिर वापस टीम में आना, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तो हमें फर्स्ट क्लास को तो हमेशा अच्छा रेट करना चाहिए। यार हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट बहुत कम्पिटिटिव थी, ये लोगों ने उसको जो है वो बिल्कुल खराब करवा दिया, वरना यही यही फर्स्ट क्लास क्रिकेट आपको प्लेस देती थी। आप देखें कि आप जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं 99 तक आप कह लें, आपकी टीम जो है हमेशा टॉप के ऊपर आती थी, अगर सेमीफाइनल में नहीं है तो सेमीफाइनल में भी आती थी, क्वार्टर फाइनल जब आए क्वार्टर फाइनल तक रीच करती थी, क्योंकि प्लेयर आपको बड़े अच्छे मिलते थे। आप ये देखें कि आपने और भी बहुत ज्यादा टूर्नामेंट जीते हैं, और वो इसी वजह से जीते थे कि आपका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा तगड़ा था, और वही स्ट्रक्चर जो है वो अच्छे प्लेयरों को ग्रूम करके तो इंटरनेशनल क्रिकेट में जो है एक्सपोज करता था। तो आई थिंक हम लोगों ने खुद ही फर्स्ट क्लास का बेड़ा गर्क किया, हालांकि हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो थी वो बहुत ज्यादा कंपेटिटिव थी। हाँ, उसमें जो चेंज करने की बजाय अगर उसमें जो जो बेहतरी लाने की चीज थी, हम पिचेस को जो है वो अच्छा करते, हम प्लेयरों के अलाउंसेस को और ज्यादा बढ़ाते, हम उनके लिए फैसिलिटीज लेके आते ताकि और ज्यादा वो बेहतर तरीके से क्रिकेट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते, हम लोगों ने लॉस्ट इन ट्रांसलेशन ही करा दिया हर चीज को। आमिर भाई उसकी देखे ना वजह क्या हुई कि डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद हो गई है, लड़के बेरोजगार हो गए, अब कई लड़के कोई कई कुछ कर रहा है, कोई बाइक चला रहा है, कोई 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 ठेला लगा के बैठा हुआ है, इससे क्रिकेट तो आपकी डाउन ही होती जा रही है ना। मतलब आपने डिपार्टमेंट क्रिकेट जो कहते हैं कि जी के डिपार्टमेंट क्रिकेट आपके पाकिस्तान की जान थी, वही आपने बंद कर दी। देखिए इसका खुमियाजा तो भुगतना पड़ेगा, होगा ये कि पहले तो चलो पेरेंट्स जो हैं वो अलाउ कर देते थे बच्चे को कि ठीक है आपको पक्की नौकरी मिलेगी डिपार्टमेंट में, तो आप स्पोर्ट्स को भी परसू करो, पढ़ाई भी साथ साथ करते रहो। लेकिन अब किस चीज के ऊपर पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चे को क्रिकेट की तरफ आने देंगे? देखिए ना आप महंगाई देखें कितनी है, अब तो लाख रुपए का एक दरमियाने सा किट बैग बनता है, और उसके बाद बल्ला जो है वो एक गेंद के ऊपर भी टूट सकता है, तो अब लोग इसको किस तरह अफोर्ड करेंगे? जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी थी आपको, फाइनेंशियल सिक्योरिटी थी और जॉब सिक्योरिटी थी, वो तो खत्म हो गई। अब तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन सा पेरेंट जो है वो अपने बच्चे को जो है वो इजाजत देगा क्रिकेट खेलने के लिए। हाँ शौकिया तो खेलेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कोई सीरियस लेवल वाली जो क्रिकेट है उसके ऊपर तो डिस्करेजमेंट मिलेगी। हमें हमें जो करने की जरूरत है, हमें इसको करियर बनाना है, हमने शो करना है लोगों को कि अगर आपका बच्चा अगर क्लब क्रिकेट तक भी आ जाता है और अच्छी जो क्लब क्रिकेट है टॉप लेवल की उसमें भी आ जाता है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ चीज उसको मिलेगी पढ़ाई अगर साथ रखे। अगर ये फर्स्ट क्लास या रिप्रेजेंटेटिव क्रिकेट में आ जाता है तो 10 साल खेल लेता है तो उसको बहुत कुछ मिल जाएगा। वो करने की बजाय हम लोगों ने हर चीज का बेड़ा गर्क ही कर दिया, चले देखते हैं कि ये क्या करते हैं आगे चल के। सही बात है आमिर भाई, देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट। आमिर भाई आपके अगर ODIs की हंड्रेड्स की बात करूं, अगेंस्ट जिम्बाब्वे 114 रन हॉबर्ट में, और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 134, शारजा के अंदर, फिर श्रीलंका डरबन में 100, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 111 कराची में, इंडिया के अगेंस्ट 105 शारजा में, और फिर 95 इंडिया के अगेंस्ट टोरंटो में, तो आमिर भाई कौन सी अपनी इस इनिंग्स को आप बेस्ट कहते हैं और हमेशा आपको याद रहती है? वही पर्थ वाली इनिंग्स जो है ODI में जो है वो आई थिंक इट वाज वेरी गुड। और उसके बाद हम लोग आई थिंक आई रिमेम्बर हम लोग खेल रहे थे न्यू लैंडस्केप टाउन में, मंडेला ट्रॉफी थी कि कौन सी थी, उसका पहला फाइनल था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। I remember I scored 17 no time, वो भी जो है वो काफी उस इनिंग्स को मैंने एंजॉय किया। ये दो इनिंग्स जो है वो आज भी नहीं भूलती।
तो आमिर भाई, जब जब आप इंडिया के अगेंस्ट खेले हैं, और मुझे अच्छी तरह याद है आप और सईद अनवर, सईद भाई दी ग्रेट, मतलब सईद भाई को तो किस तरह भूल सकते हैं, और आप दोनों की जोड़ी ऐसी होती थी। मुझे याद है मैं एक जगह पे आर्टिकल पढ़ रहा था जो किसी ने लिखा था कि यार ये इन दोनों को हम आउट कर देना अगर हम मैच जीत जाएंगे, तो वो आउट ही नहीं कर पाते थे, खासतौर पर इंडियंस की अगर मैं बात करूँ। आप लोगों ने हमेशा उनको टफ टाइम दिया यार। एक तो अपनी गेम के ऊपर, अपनी एबिलिटी के ऊपर यकीन था, और उसके बाद जो हम लोगों ने एक चीज, मैंने जो 92 के वर्ल्ड कप के बाद एक चीज सीखी थी कि जितना बड़ा मैच होगा आपने उतना ही टेंशन फ्री जाके खेलना है, अपनी जो ओरिजिनल गेम है उससे परे नहीं हटना। क्योंकि मुझे याद है जब 92 का वर्ल्ड कप था, फाइनल था, तो उसको इधर से आके कह रहा हूँ आराम से खेली और ये करें वो करें वो करें, तो आप काफी ज्यादा कंफ्यूज आ जाते हैं। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया था कि कोई भी फाइनल होगा या जो भी होगा, मैंने अपनी पॉजिटिव गेम खेलनी है, सुननी किसी के नहीं। हाँ, अपने अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खेलना है, लेकिन जाके अपनी ए गेम लेके जानी है, और सोचना सोचना कुछ नहीं है, कोई बॉक डाउन नहीं होना। तो उस चीज ने काफी ज्यादा हेल्प किया, और मोस्टली जब भी फाइनल्स हुए हैं तो अल्लाह का शुक्र है परफॉर्मेंसेस ठीक ही हुई है। तो हम यही सोचते थे कि जाके यार अपनी पॉजिटिव गेम खेलनी है, अगर अगर थोड़ा सा बॉलर कोई अच्छा बॉल कर रहा है उसको थोड़ी देर के लिए रिस्पेक्ट शो करनी है, और उसको उसकी गलती का इंतजार करना है, जैसे वो गलती करे तो उसको कैश करके उसके ऊपर प्रेशर लिया है। 1996 वर्ल्ड कप, आमिर भाई, सकलैन मुश्ताक पहली दफा वर्ल्ड कप में इंडक्ट किया है, कैसा रेट करते हैं सकलैन मुश्ताक को आमिर भाई? देखिए, सकलैन मुश्ताक नो डाउट के बहुत ही टैलेंटेड स्पिनर था, उन्होंने जो है वो आज के दुनिया के बैट्समैनों को तंग करना शुरू किया। और मुझे याद है कि 96 वर्ल्ड कप में जब वकार यूनुस को मार पड़ गई, और ऑब्वियसली उनकी पेस जो है वो काफी नीचे आ गई हुई थी, तो वहां पे सोचने पे मजबूर हुए कि अब हम लोग ये कॉम्पनसेट किस तरह करें। अगर वसीम नहीं होगा, ऑब्वियसली फ्यूचर थोड़ा सा आगे जाके वसीम के लिए भी प्रॉब्लम होगा, आखिर बार वो आखिरी ओवर करते थे, तो कौन सी ऑप्शन लेके आई जाए। तो मैंने उस वक्त सिंगापुर जो टूर्नामेंट है उसमें डिसाइड किया था कि सकलैन के साथ आखिरी ओवर करवाया जाए, क्योंकि उनके पास दूसरा है। अब आखिरी ओवर्स में बैट्समैन में हिटे मारने की तरफ जा रहे होते हैं, एक तो आपको आउट करने का भी चांस होता है, जब आप आउट करेंगे बैट्समैन को तो आप रन रेट को कंट्रोल में रख सकते हैं। तो वो उनको इंट्रोड्यूस किया, और अल्लाह का शुक्र है वो वाला भी जो 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 आइडिया था वो बड़ा अच्छा पाकिस्तान को पे किया, उन्होंने काफी ज्यादा मैचेस पाकिस्तान को जितवाए। तो आई थिंक सकलैन में एबिलिटी तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि चूंकि सकलैन बहुत ज्यादा वन डेज में दूसरे के ऊपर रिलायंट हो गए, तो उसकी वजह से वो जो उनका वेनम था, जो जो फाइट थी ऑफ स्पिन में, वो कम हो गई, जिसकी वजह से उनका जो टेस्ट मैचेस में जो इफेक्टिवनेस थी वो आहिस्ता आहिस्ता कम होनी शुरू हो गए। तो वो हम लोग उस चीज का जो है वो मैयर सही तरह नहीं रख सके, लेकिन मेरे ख्याल में सकलैन मुश्ताक काफी लंबा चल सकते थे। ये थे आमिर सोहेल हमारे साथ, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो इंग्लैंड के दौरे पर है उसके बारे में अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, जिस तरह से उन्होंने ओल्ड ट्रैफर्ड के मकाम पे 205 रन की इनिंग्स खेली थी, और पाकिस्तान को 5 अगस्त को पहला टेस्ट मैच अपना वहां खेलना है। ये तो बहुत सारी चीजें थी, इसके अलावा बहुत सारी चीजें आमिर सोहेल साहब से हम जानेंगे एक दूसरे एपिसोड में। सो स्टे ट्यून फॉर ऑन माय यूट्यूब चैनल ताहिर द 12 मैन। अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अपना फीडबैक जरूर दें, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे शो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने होस्ट ताहिर खान को इजाजत दीजिए, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।